जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन, सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। आज के इस सेशन में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो आप तैयार हैं तो जल्दी से आए। और जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो नीचे लिंक दी है कमेंट बॉक्स में, आप सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के ट्रिकी नोट्स अब घर पर मंगवाना है तो मंगवा सकते हैं दोस्तों, इसकी हार्ड कॉपी एक सप्ताह में आपके घर पहुंचाई जाएगी। आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर आपको संपर्क करना है और आप नोट्स मंगवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और हिंदी साहित्य के 15 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, 15 अप्रैल से, तो इसका ऑफर दिया गया है आपको 10 अप्रैल तक, 1200 में 12 महीने का है, 10 अप्रैल तक है ऑफर, आप चूक नहीं जाना। जिनको भी एडमिशन लेना है जल्दी ले लें, ठीक है। ये सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप है, प्ले स्टोर में जाके सर्च कर सकते हैं। नोट्स देख लो एक बार, नोट्स किस प्रकार के रहेंगे दोस्तों आपके, तो ये आप देख ले हैं कि जो नोट्स आप मंगवाओगे उसमें सबसे पहले हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के स्रोत, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, हिंदी साहित्य की नवीन प्रवृत्तियां, साठोत्तरी कविता, ठीक है। उसके अलावा सेकंड पार्ट में जो आपका रहेगा, सेकंड पार्ट में दोस्तों आपका इस प्रकार से रहेगा, ये आपका सेकंड पार्ट है। और सेकंड पार्ट में हिंदी गद्य का विकास, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र, संस्मरण, गद्य काव्य, डायरी, साक्षात्कार, हिंदी में प्रथम, हिंदी में विविध, यानी कि गुरु शिष्य पुरस्कार आदि, पत्र पत्रिकाएं, और अंत में प्रमुख कथन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन, है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नंद दुलारी बाजपेयी, इस प्रकार से प्रमुख कथन भी दोस्तों इसमें। तो इस प्रकार से दो पार्ट में ये हिंदी साहित्य के नोट्स बनाए गए, इस प्रकार से आपको नोट्स मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आपका प्रश्न है, लालटीन की छत ये उपन्यास किसका है, जल्दी से बताना है फटाफट से, और एक बार लाइक कर दें। सभी साथी जिनको नोट्स मंगवाना है वो संपर्क करें। लालटीन की छत ये उपन्यास किसका है बताइए, अयोध्या से उपाध्याय हरिओद का, श्रीनिवास दास का, निर्मल वर्मा का, या फिर गोपाल राम गहमरी का, सभी लोग बताएंगे एक साथ और कमेंट जरूर करें। सभी साथी कमेंट कर लें फटाफट से, वीडियो को लाइक भी कर दें दोस्तों, जल्दी से लाइक कर दो फटाक से, बहुत ही बढ़िया ये दोस्तों आपका है, जल्दी बताना है यहां पर। फटाफट से यहां पर आपसे पूछा गया लालटीन की छत ये उपन्यास किसका है, ये उपन्यास आपको बताना है, बहुत ही बढ़िया उपन्यास है लालटीन की छत, अयोध्या से उपाध्याय हरिओद का है या फिर किसका है। तो अपन ने पढ़ा भी था, कल पढ़ा था कि सर ये लालटीन की छत बड़ी निर्मल निर्मल लगती है, निर्मल निर्मल, ठीक है। तो निर्मल निर्मल यानी कि निर्मल वर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर, नेक्स्ट देखो, नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है, नूतन ब्रह्मचारी ये किसका उपन्यास है, जल्दी से बताइए और एक बार लाइक भी करना है, सभी साथी लाइक करिए जल्दी से। नूतन ब्रह्मचारी ये किसका उपन्यास है, फटाफट से, बिल्कुल निर्मल है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर उत्तर आ जाएगा कि सर अभी तक तो मैंने बाल ब्रह्मचारी सुना था, बाल, तो बाल से क्या बन जाएगा, बाल कृष्ण भट्ट, जिनका जन्म 1844 में हुआ था, ठीक है। हिंदी प्रदीप जो कि 1877 में दोस्तों ये प्रकाशित हुआ था, और आपको पता है कि इसके संपादक थे बालकृष्ण भट्ट जी। नेक्स्ट है बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित दोस्तों उपन्यास कौन सा है, बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है, भागवती है क्या, देवरानी जेठानी की कहानी, आबा, या फिर इनमें से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 52 नंबर का है, सभी लोग लाइक जरूर करें, रतिपाल जी, लखविंदर जी। बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है, 52 नंबर का क्वेश्चन है, और 52 नंबर में आपने उत्तर बताया है कि सर वो उपन्यास है, अनीता जी बिल्कुल राइट, आंबा, और आंबा किसका उपन्यास है ये आपको ही बताना है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। देवरानी जेठानी की कहानी ये तो अपन ने पढ़ी है, गौरी दत्त का है, भागवती श्रद्धा राम फिल्लौरी का है, लेकिन आंबा आपको बताना है कि आंबा किसका उपन्यास है,
जो कि बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित है। बाकी बताना है जिंदा मुहावरे ये उपन्यास किसका है। 53 नंबर का क्वेश्चन, जिंदा मुहावरे। छोटे लाल यादव जी बताइए, जो भी हमारे साथी टीजीटी पीजीटी आदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिंदा मुहावरे उपन्यास किसका है? 53 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों। नासिरा शर्मा, राही मासूम रजा, अलका सराबगी, फणी सुनाथ रेणु, 53 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है जिंदा मुहावरे। बताइए, बहुत बढ़िया, चित्रा मुद्गल का है, वेरी गुड। सभी लोगों ने बताया है कि आबा का चित्र बनाना है, शशि त्रिपाठी जी, बहुत बढ़िया। तो जिंदा मुहावरे ये किसका उपन्यास है, 53 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया और आपने उतार दिया कि सर जिंदा मुहावरे का तो कोई सिरा ही नहीं है, यानी कि ना सिरा। तो ये नंबर टिक लगा दें, जनता जनार्दन कहां जा रही है, एक ही तरफ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है तो कौन नहीं है? 54 नंबर का क्वेश्चन बताना है, फटाफट से बताइए यहां पर 54 नंबर में किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग, कहां जा रही जनता जनार्दन की वोट? मनोविश्लेषणवादी कथाकार कौन नहीं है, एक क्वेश्चन पूछा गया। बीनू सरोज जी, नोटा दबाना है, नोटा, नोटा में बताइए किसको दबाना है, नोटा, नोटा का बटन, बिल्कुल। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, बिल्कुल सही है। मायाराम जी, मोहित जी, सभी लोग बताएं। और यहां पर आपने बताया कि सर जैनेन्द्र तो हैं, ईलाचंद जोशी भी हैं, अज्ञेय भी हैं, नोटा दबाना है, तो बोले सर नोटा चतुर में लगा दो, चतुर व्यक्ति के लिए नोटा, ठीक है। तो जनता जनार्दन ने वोट किया है बी नंबर में और बिल्कुल सही आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। अगला देखो, ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? ज्ञान बोध बताना है, ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 55 नंबर का क्वेश्चन है और बचपन से लेकर 55 तक। ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? बहुत सारी जनता जनार्दन यहां पर फेल होगी 55 नंबर के क्वेश्चन में, बताएं पुष्पा मौर्य जी, क्या हो जाएगा यहां पर सही आंसर? हरिओम जी, ज्ञान बोध के रचनाकार बताना है आपको, कौन माने जाते हैं ज्ञान बोध के? मुस्कान वर्मा जी, और बहुत सारे लोगों ने सही आंसर लगा दिया यहां पर, राइट आंसर लगा दिया, मलूकदास, बहुत बढ़िया। यानी कि आपका जो मलूकदास है वो बिल्कुल सही है, ज्ञान का बोध हो गया मलूकदास को, ज्ञान का बोध किसको हो गया? मलूकदास को हो गया, बी नंबर करेक्ट। नीमा किस कवि की माता का नाम है? नीमा किस कवि की माता का नाम है? रहीमदास की, सूरदास की, कबीरदास की, या फिर मलूक दास की? 56 नंबर के क्वेश्चन में आपको उत्तर बताना है, नीमा किस कवि की माता का नाम है, प्रश्न है 56 नंबर, और बहुत ही बढ़िया आपसे प्रश्न पूछा गया। लाइक कर दो हमारे सभी साथी, नीमा बताया आपने 56 नंबर में, राइट आंसर बता दिया कबीर। अब कबीर की बात आई है तो इनका जन्म भी बता दो और इनकी रचनाएं भी बता दो, सी नंबर। कबीरदास का जन्म कब हुआ था? नेक्स्ट, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? 57 नंबर का क्वेश्चन है, मुकनद जी, लखबिंदर जी बताइए, आशा जी, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? हुसैन जी, रिंकू जी, आनंद जी, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दादू दयाल हैं, हरिदास हैं, गरीबदास हैं, सुंदरदास हैं, कौन माने जाते हैं? लाइक करते हुए शेयर जरूर करना है, नाविक जी, सिमर पाल जी, परविंदर दारसू जी, लाइक करिए, मित्रों को शेयर भी कर दीजिए हमारे साथी। 57 नंबर के क्वेश्चन में आपने जो उत्तर लगाया है वो लगाया हरिदास, हरिदास लगा दिया, बहुत बढ़िया। यानी कि आपका जो बी नंबर है हरिदास, ये बिल्कुल सही है, हरिदास राइट आंसर। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं स्वामी हरिदास, इसे हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है, बिल्कुल सही आंसर लगा दिया। आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य की प्रथम रचना किसे माना है? आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य की प्रथम रचना किसे माना? चंदायन को, मृगावती को, चित्रावली को, या फिर मधुमालती को? 58 नंबर का क्वेश्चन और आपको चयन करना है, बताओ। आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य की प्रथम रचना किसे माना है? और देखते हैं, पूनम जी, मोहित जी, सोनु, के एम जी, शुक्ल ने सूफी काव्य की प्रथम रचना किसे माना 58 नंबर में, और सीधा सीधा आंसर जा रहा है कि सर मृगावती। मृगावती इसका रचना काल क्या है? मृगावती कुतुबन की रचना है, ये तो सभी को पता है,
लेकिन इसका रचना काल क्या है ये आपको बताना है। प्रीति जी पुरोहित बताइए, ठीक है बताएं। जनता जनार्दन के लिए क्वेश्चन है कि मृगावती का रचना काल क्या है, किस शब्द के एक से अधिक बार आने पर हर बार दोस्तों अलग अलग अर्थ होने पर कौन सा अलंकार होता है। यहां पर दिया है कि किसी शब्द के एक से अधिक बार आने पर और हर बार अलग अर्थ होने पर बताना है वहां पर कौन सा अलंकार होता है। 59 का आंसर और बहुत सारे लोगों ने बता दिया 1503, यानी कि मृगावती का रचना काल है 1503। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जनता जनार्दन काफी दोस्तों होशियार हो चुकी है। इस बार 59 नंबर का क्वेश्चन बताना है, लाइक करना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के, वो सभी साथी नोट्स मंगवा सकते हैं दोस्तों। यहां पर क्वेश्चन बढ़िया सा पूछा गया है आपसे और बढ़िया सा उत्तर भी आने चाहिए आपका। 59 नंबर के क्वेश्चन में आपने बताया यमक अलंकार, यानी कि वी नंबर लगा दिया। बहुत बढ़िया, वी नंबर सभी ने लगा दिया। जब उपमेय उपमान में भिन्नता होने पर भी दोस्तों समानता स्थापित की जाए तब कौन सा अलंकार हो जाता है। उपमेय और उपमान में भी दोस्तों भिन्नता होते हुए भी समानता स्थापित की जाए तब कौन सा अलंकार होता है। 60 नंबर, मैंने आपसे बोला था सभी से, क्या बोला था कि अलंकारों की परिभाषाएं याद करिए। देखते हैं किस किस ने की है। 60 नंबर के क्वेश्चन में कौन कौन सफल हो पाता है इस प्रश्न को लेकर के बताओ। उपमेय और दोस्तों उपमान में भिन्नता होने पर भी समानता स्थापित की जाए तब वहां कौन सा अलंकार होता है। 60 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पूजा देवी जी, मोहित जी बताइए, नीतू सोलंकी जी, और ऐसे कितने साथी हैं जिनको एडमिशन लेना है। 1200 में 12 महीने दोस्तों की वैलिडिटी के साथ निरंतर अध्ययन कर सकते हो। हर संडे को टेस्ट होता है। साथ ही दोस्तों यहां पर आपके लिए बढ़िया सा 1200 में 12 महीने 15 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट है। 10 तारीख तक ये ऑफर है, 10 अप्रैल तक, ठीक है। तो यहां पर आपने उत्तर लगा दिया है रूपक अलंकार, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। सरोज सीवी जी, अनुराग जी, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है। 61 नंबर का क्वेश्चन है, अनिल कुमार जी बताइए, गुरप्रीत जी, आशा जी, जसवीर जी, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है। 61 नंबर में बताना है। आनंद जी बिल्कुल संपर्क कर सकते हो, जिनको भी नोट्स मंगवाना है वो नोट्स मंगवा सकते हैं, जिनको भी कोर्स में एडमिशन लेना है लाइव कोर्स में वो ले सकते हैं। जहां पर लाइव क्लासें भी मिलती हैं, रिकॉर्डेड कोर्स भी मिलता है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलते हैं, हर संडे को टेस्ट भी होता है, ठीक है, ट्रिकी वीडियो भी मिलते हैं दोस्तों, डाउट्स वाले वीडियो भी मिलते हैं। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक की रचयिता कौन है 61 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, और 61 नंबर में आपने उत्तर बता दिया है कि सर वो है राम कुमार वर्मा, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका राइट आंसर है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति कौन सी है। रश्मि पाठक जी बताइए, आशा कुमावत जी, मनीषा जी, सीमा जी, क्या हो जाएगा, सीमा जी, सीलू जी, पूनम जी, राजकुमारी जी। प्रश्न क्रमांक 62 नंबर का क्वेश्चन है, राशिद कुरैसी जी बताएं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक बताना है, नाट्य रचना बताना है। वंदना सोनी, रिंकू वर्मा जी, सही आंसर यहां पर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताया कि सर बकरी इनकी नाट्य रचना है, और बकरी की क्या करना है अपन को, सर्वे करना है, सर्वे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक कौन सा है बताओ। हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक आपको चयन करना है, नाटक आपको बताना है। अर्चना लोधी जी, बबीता जी, यदुवंशी बताइए, राइट आंसर क्या है यहां पर। गुरप्रीत जी, सभी लोग बताएं, वीरेंद्र जी, गुंजा जी, सुप्रिया पटेल जी, 63 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे, और सीधा यहां पर आंसर जा रहा है 63 का कि सर हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला जो नाटक है वो नाटक है रक्षाबंधन। रचनाकार कौन है रक्षाबंधन नाटक के, ये बी नंबर का क्वेश्चन पूछा गया आपसे, बी नंबर में आपको बताना है, बताइए। नेक्स्ट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा दोस्तों नाटक छेमेश्वर कृत
छैमेश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया। चंड कौशिक के आधार पर कौन सा नाटक लिखा गया बताएं। 64 नंबर का क्वेश्चन है पुष्पा जी, रेखा ओम प्रकाश जी, सभी साथी जिनको भी नोट्स मंगवाना है दोस्तों वो जल्दी से नोट्स मंगवा सकते हैं अपने घर पर। बहुत ही बढ़िया तरीके से नोट्स बनाए गए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद का वो नाटक कौन सा है जो छैमेश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है। 64 नंबर में उत्तर बताना है, लाइक करना है, शेयर भी कर देना है। बलजीत जी, शिव कुमार जी, 64 नंबर का आंसर जा रहा है कि सर वो है सत्य हरिश्चंद। चंड कौशिक की दोस्तों छैमेश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया, ये सत्य हरिश्चंद है, ये नंबर आपका सही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न, सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है। अच्छा क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है। इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, नायक खलनायक विदूषक, या फिर शकुंतला की अंगूठी। ये नाटक वर्मा जी के हैं, सुरेंद्र वर्मा जी के। किस नाटक में ये दोस्तों प्रश्न आया है ये आपको चयन करना है। सभी लोग बताएंगे, राइट आंसर क्लिक करना है। जनता जनार्दन देखते हैं कहां पर जाती है इस बार। 65 नंबर कौन से क्वेश्चन की, कौन से विकल्प की, यहां पर दोस्तों क्या चल रही है बताइए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बहुत बढ़िया, कमलाकांत जी ने बताया है, बी नंबर लगा दो सर, आठवां सर्ग। तो आठवां सर्ग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न उठाया गया, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। रॉबिन जी, रीना यादव जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा। इतना सरल क्वेश्चन पूछा गया, तो सभी लोग आंसर चयन करेंगे। बिमलेश कुमारी जी, रितेश, बीनू जी, सुरेखा, निषाद जी, अनीता जी, गुंजा चौरसिया जी। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया। कुमकुम जी, शेयर भी कर दो सभी साथी, सब्सक्राइब कर लिया करो, बेल आइकन को भी दबा दिया करो, ताकि दोस्तों इन्फॉर्मेशन सही समय पर आपके मोबाइल में पहुंचेगा नोटिफिकेशन। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक आपको चयन करना है। ये रोज 9 बजे क्लास होती है, सभी लोग बताइए, जल्दी से बताना है। आठवां सर्ग का देखो, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति, जब आप सर्ग पढ़ोगे, सर्ग जाओगे आठवें स्वर्ग में, स्वर्ग कर लो इसको, स्वर्ग, उस स्वर्ग में जाओगे तो आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी। कहां जाओगे, स्वर्ग में, स्वर्ग, आठवां स्वर्ग है ना, स्वर्ग जाना है तो आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी, और नरक जाओगे तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। तो आठवें स्वर्ग में जाना है जब आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी, ठीक है। ऐसे देखो, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक 66 नंबर का क्वेश्चन है, बार बार गलत नहीं करना अनिल कुमार जी। और आपको पता है कि सर प्रथम दुखांत नाटक, दुखांत नाटक तो तब होता है जब रण, रण में जाते हैं, कोई रण में जाते हैं, रणधीर प्रेम मोहिनी, बोले सर जब रण में जाते हैं और रणभूमि में मारे जाते हैं तो दुखांत, दुख होता है, दुखांत होता है, दुख होता है, ठीक है। तो दुखांत और दुख, रणधीर प्रेम मोहिनी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चरण कमल समास पद के लिए समास विग्रह का बताइए, समास विग्रह का पद कौन सा होगा यहां पर, चरण रूपी कमल बताइए, सभी लोग बताएं, चरण और कमल, चरण पर कमल या फिर चरण में कमल। 67 नंबर का क्वेश्चन, क्रांति जी बताइए क्या है यहां पर, विवेक जी, ममता जी, चरण कमल समास में 67 नंबर का क्वेश्चन है, सभी का आंसर आने चाहिए, सभी लोग लाइक भी कर दें। और आपको पता है कि सर यहां पर उत्तर हो जाएगा चरण रूपी कमल, यानी कि ये नंबर जिन्होंने भी टिक लगाया है वो बिल्कुल सही है, ये नंबर आपका राइट आंसर है। कौन सा क्रम सही नहीं है बताओ, कौन सा क्रम सही नहीं है, कर्मनिष्ठ, अधिकरण तत्पुरुष, पुरुषोत्तम, बहुव्रीहि समास, आपाद मस्तक, अव्यय भाव समास, मंद बुद्धि, कर्म धाराय समास। तो यहां पर पूछा गया है आपसे कौन सा क्रम सही नहीं है 68 नंबर के क्वेश्चन में, तो बताएं कौन सा सही नहीं है, देखते हैं कौन कौन बताएंगे यहां पर। राखी जी, वीरेंद्र जी, आशा कुमावत जी, सही आंसर बताना है। मंजू जी, प्रमांशु जी, सभी लोग बताएं और लाइक जरूर कर दें, जल्दी जल्दी से।
शेयर भी कर दो अपने मित्रों तक। दोस्तों ये क्लास रोज रात्रि 9 बजे होती है, और जिनको भी पेड क्लास में एडमिशन लेना है 1200 में 12 महीने का ऑफर चल रहा है। 15 तारीख से 15 अप्रैल से न्यू बैच है, ठीक है, तो पढ़ाई तैयारी कर सकते हैं। न्यू बैच बहुत देर में शुरू होता है दोस्तों, इसलिए इंतजार अब खत्म हो चुका है आपका 68 नंबर का क्वेश्चन में। और 68 में आपका सीधा आंसर जा रहा कि सर पुरुषोत्तम, ये गलत है, पुरुषोत्तम में बहुव्रीही समास नहीं है, यानी कि बी नंबर आपका सही हो जाता है, जो कि आपने भी बिल्कुल सही बताया है, ठीक है। रीमा यादव जी, सी नहीं बी, पुरुषोत्तम, ठीक है। किस क्रम में समास का सही विग्रह नहीं हुआ है, 69 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछे जा रहे हैं यहां पर। किस क्रम में समास का सही विग्रह नहीं हुआ, मुरलीधर यानी मुरली धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, दोपहर यानी कि दोपहरों का समाहार, पतिव्रता पति का व्रत लेने वाली स्त्री, कनक लता यानी कि कनक के समान लता, तो बताओ किसका विग्रह है सही नहीं हुआ है, तो आपको बताना है, बताइए 69 नंबर के क्वेश्चन में कौन कौन यहां पर सही आंसर बताएंगे, सही आंसर बताना है। पूनम सैनी जी, रजनी जी और सभी लोगों ने लगभग ठान ही लिया है कि सर हम सही उत्तर ही बताएंगे, यानी कि मुरलीधर तो सही है, दोपहर भी सही है, कनक लता भी सही है, लेकिन ये पतिव्रता पति का व्रत लेने वाली स्त्री, ये दोस्तों सी नंबर यहां पर गलत हो गया, सी नंबर यहां का उत्तर हो गया, सी नंबर आपका दोस्तों ये सही है, ये समास का सही विग्रह नहीं है। रस के कितने अंग होते हैं, रस के कितने अंग होते हैं बताओ, कमलाकांत जी रस के अंग बताना है, 2, 4, 5 या फिर 6, बताइए कितने अंग होते हैं रस के, 2 होते हैं, 4 होते हैं, या फिर इंदु जी बताइए, संदीप विश्वकर्मा जी, सोनिया प्रजापति जी, रस आपने पढ़े हैं, भरत मुनि ने 8 रसों की चर्चा की है, जिनमें शांत रस नहीं माने दोस्तों, है ना, 4 अलंकारों की चर्चा की है भरत मुनि ने, ठीक है। सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है, कौन सा माना जाता है, रस संप्रदाय, और रस के कितने अंग माने गए ये आपको बताना है, और कौन कौन से माने गए ये भी अगर आप बता दो तो बड़ा उत्तम होगा, बड़ा ही अच्छा लगेगा। आपने बताया कि सर रस के अंग होते हैं 4, 4 होते हैं, यानी कि वी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाला आचार्य कौन है, 71 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले जो आचार्य हैं वो आचार्य कौन है, 71 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों यहां पर। वाक्यम रसात्मकम काव्यम 71 नंबर में देखते हैं कौन कौन सही आंसर चयन कर पा रहा है, कौन कौन उत्तर नंबर लगा रहा है, और उत्तर है कि सर ये आचार्य विश्वनाथ लगा दो, ये बी नंबर आपका करेक्ट है। हालाते कन्हैया किसकी रचना है, हालाते कन्हैया पूछा जाता है कई बार दीपा जी, हालाते कन्हैया के रचनाकार कौन है, खालिक खलक है, रहीम है, अमीर खुसरो या फिर अकबर है, कौन बताएगा, जनता जनार्दन किसकी ओर जाएगी, लाइक करते रहें दोस्तों, शेयर भी करते रहें। 72 नंबर का क्वेश्चन है, 72 में आपको चयन करना है और शेयर भी कर देना है, और उत्तर आ रहा है कि सर हालात कन्हैया, है ना, सभी लोग बताएंगे हालात कन्हैया के रचनाकार कौन है। 1200 में 12 महीने, 1200 में 12 महीने का ऑफर चल रहा है अभी आपके लिए, ठीक है, पढ़ सकते हो, निरंतर अध्ययन कर सकते हो। हालात कन्हैया अमीर खुसरो, यानी कि सी नंबर, ठीक है, सी नंबर आपका सही आंसर लगाया है संतोष जी। प्रबंध चिंतामणि की रचयिता कौन है, 73 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शेयर कर दो अपने साथियों तक दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर दो। हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स के जिनको भी नोट्स मंगवाना है वो नोट्स मंगवा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, अपने घर 1 सप्ताह में आपके घर नोट्स पहुंच जाएंगे बाई पोस्ट, ठीक है। तो बताएं प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन माने जाते हैं, 15 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो न्यू बैच में आप शामिल हो सकते हैं, न्यू बैच बड़ी मुश्किल में दोस्तों स्टार्ट हो पाता है, ठीक है, तो आप लोग शामिल जरूर होएं। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है, 73 नंबर का क्वेश्चन, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि सर हमें मेरु का प्रबंध करना, मेरु, मेरु मतलब क्या होते, पर्वत शिखर, तो मेरु का क्या करना है, पर्वत, ये प्रबंध करना है, तो प्रबंध की चिंता है, काय की चिंता, मेरु के प्रबंध की चिंता, तो मेरुतुंग मनोहर में कौन सी संधि है, 74 नंबर का क्वेश्चन। ओम प्रकाश जी बताइए, क्षमा नायक जी, मनोहर में कौन सी संधि मानी जाती है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सुनीता जी सही आंसर क्या है, कुमारी नेहा जी, मनजीत जी,
सभी लोग बताएं। ट्रिक भी समाहित किए गए हैं मंजीत जी, ट्रिक भी बीच बीच में जहां जैसी ट्रिक बनती गई है तो नोट्स में ट्रिक भी निकाली गई है। मनोहर में कौन सी संधि है, 74 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपने बताया है कि सर मनोहर में संधि पूछ रहे, यानी कि आप विसर्ग संधि लगा दो, सी नंबर लगा दो, विसर्ग संधि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। निःसंदेह शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, 75 नंबर का क्वेश्चन, इतने अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन है, व्याकरण भी है बीच बीच में, ठीक है। निःसंदेह में संधि विच्छेद, संधि विच्छेद आपसे पूछा गया, नित्य धन संदेह, नेहधन संदेह या फिर नेहधन देह या इनमें से कोई नहीं, बताइए। नितेंद्र कुमार जी 75 नंबर का क्वेश्चन, और सीधा सीधा आंसर जा रहा है कि सर ये नेहधन संदेह हो जाएगा, नेहधन संदेह। जसवीर जी बी नंबर सही हो जाएगा, यहां पर नेहधन संदेह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, जयशंकर प्रसाद ने, मुकुटधर पांडे ने, सुमित्रानंदन पंत या फिर श्रीधर पाठक ने। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 1918 से लेकर के 1936 का जो युग माना जाता है वो माना जाता है छायावाद का युग, जिसके प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद माने जाते, आचार्य शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को माना दोस्तों। लेकिन यहां पर छायावाद शब्द की बात हो रही है तो आप क्या उत्तर बताते हो, देखने वाली बात यह है कि जनता जनार्दन आखिर कहां जाती है, किस विकल्प की ओर आगे बढ़ रही है। सोनू केएम जी बिल्कुल सही आंसर बताया है कि सर छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग तो किया था मुकुटधर पांडे ने, स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग तो किया था मुकुटधर पांडे ने, लेकिन छायावाद के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, जयशंकर प्रसाद। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर तो आपका बी नंबर है, जिन्होंने भी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। तुलसीदास किसकी रचना है दोस्तों, तुलसीदास एक खंड काव्य है और तुलसीदास एक कवि भी हैं, लेकिन यहां पर तुलसीदास रचना पूछी गई तो तुलसीदास ये बताइए किसकी रचना है, खंड काव्य है, कई बार पूछा गया है, पूछा बताना है आपको। गीता देवी जी, सोनिया जी बताएं, 77 नंबर के क्वेश्चन में लाइक करते हुए आगे बढ़ना है और तुलसीदास ये किसकी रचना है, ये भी आपको बताना है। और सीधा सीधा आंसर आपका जा रहा है कि सर ये तुलसीदास बड़ा निराला कवि था, निराला कवि था। ये बी नंबर मैंने आपको बताया है कई बार कि तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे दोस्तों, बहुत प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि जब इनकी पत्नी रत्नावली एक बार मायके गई तो तुलसीदास से रहा नहीं गया और एक दो दिन में मायके पीछे पीछे पहुंच गए। नदी चढ़ी थी दोस्तों, मुर्दा पर बैठकर नदी पार कर गए, रस्सी सांप को रस्सी समझकर दोस्तों इनके घर में चढ़ गए ऊपर। रत्नावली ने कहा कि इतना प्रेम करते हो आप हमसे, इतना प्रेम अगर भगवान श्री राम से करोगे तो भाव सागर से तर जाओगे। तुलसीदास ने पता है क्या बोला, हद तेरी की, जिसके लिए मैंने नदी नहीं देखी, जिसके लिए मैंने सांप नहीं देखा, जिसके मेरे लिए मैंने अंधेरी रात नहीं देखी, वो ये बोल रही है। छोड़ छाड़ के तुलसीदास निकले और चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक देत रघुबीर। तो यहां पर बी नंबर दोस्तों, मैंने आपसे कई बार बताया है कि सूपी काव्यधारा में क्या हुआ है कि पत्नी को दोस्तों, पत्नी को ये जो ईश्वर की पूजा की है वो पत्नी के रूप में की है, यानी कि जिस प्रकार से एक प्रेमी का प्रेमिका से, प्रेमिका का प्रेमी से दोस्तों मिलने का जो उत्सुकता होती है, जो दोस्तों उनकी वो होती है, उसी प्रकार से अगर भगवान के प्रति अगर आपकी उत्सुकता, आपकी श्रद्धा बढ़ जाए तो मैंने कहा था कि भगवान स्वयं आपके दोस्तों सामने खड़े हो जाएंगे। जैसे तुलसीदास जी की श्रद्धा, जितना प्रेम उन्होंने पत्नी से किया उससे ज्यादा प्रेम कहीं भगवान श्री राम के उसमें लगा दिया, तो भगवान खुद स्वयं आते हैं तिलक देने, ठीक है। तो तिलक देत रघुबीर, नए पत्ते कैसे होते हैं, बोले सर नए पत्ते की बात मत करो, नए पत्ते तो निराले होते हैं, निराले होते हैं, यानी कि बी नंबर निराला आपका राइट आंसर हो जाता है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी किसे कहा जाता है दोस्तों, 79 का क्वेश्चन बताना अनिल कुमार जी, लाइक करना है निराला, रामेश्वर, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी किसे कहा जाता है, तो उत्तर चयन करना है और लाइक करना है, बिल्कुल धिक धिके ऐसे प्रेम को, बहुत बढ़िया, शेयर कर दीजिए जल्दी से। कमलाकांत जी, तनु जी,
क्या हो जाएगा, जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवा सकते हैं, और जिन भी साथियों को लाइव कोर्स में एडमिशन लेना है वो 1200 में 12 महीने के इस लाइव कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, न्यू बैच में एडमिशन ले सकते हैं। हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाणी महादेवी वर्मा को कहा जाता है, जिनका जन्म हुआ था 1907 में, जिनकी रचनाओं में निहार, नीरजा, रश्मि, सांदगीत, दीपशिखा और दोस्तों इनकी रचनाओं का संग्रह यामा, यामा के लिए इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल जाता है दोस्तों। साथ ही सप्त परणा भी एक इनकी रचना है, किसकी, महादेवी वर्मा, जो कि छायावाद की चार आधार स्तंभों में एक नाम इनका भी आता है, जिनकी एक रश्मि रचना है जो बौद्ध धर्म से प्रभावित मानी जाती है और दोस्तों सबसे ज्यादा रहस्यवाद से प्रभावित मानी जाती है, तो वो कौन मानी जाती है, महादेवी वर्मा। ठीक है, हरी घास पर क्षणभर शीर्षक काव्य संकलन की रचनाकार कौन है, 80 नंबर का क्वेश्चन है, शेयर कर दो अपने साथियों तक। राखी जी, आराधना जी, अर्चना श्रीवास्तव जी, कुमारी नेहा जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हरी घास पर क्षणभर शीर्षक काव्य संकलन की रचनाकार कौन है, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया और इतना अच्छा हरी घास पर क्षणभर, और 80 नंबर में आपका उत्तर हो जाता कि सर अज्ञे लगा दो, यानी कि आप बी नंबर सी नंबर लगा दो, अज्ञे लगा दो। ठीक है, अज्ञे की किस काव्य ग्रंथ की आरंभिक पंक्तियों पर उमर खय्याम की रूबाइयों का प्रभाव है दोस्तों, बताइए, यहां पर 81 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, उमर खय्याम की रूबाइयों का प्रभाव किस काव्य ग्रंथ की पंक्तियों आरंभिक पंक्तियों पर है, ये बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया राजीव मौर्य जी 81 नंबर के क्वेश्चन में, और 81 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर हो रहा है कि सर वो रचना है बाबरा अहेरी, वो रचना कौन सी है, बाबरा अहेरी। ठीक है, और बाबरा अहेरी की आरंभिक पंक्तियों पर उमर खय्याम की रुबाइयों का प्रभाव है। अज्ञे की श्रेष्ठतम कविता कौन सी है, श्रेष्ठतम कविता बताना है कौन सी है, बंचन के दुर्ग, असाध्य वीणा, मिट्टी की हा, या फिर विश्वप्रिया, थोड़ा सा फटाफट से जल्दी से बताएंगे अज्ञे की श्रेष्ठतम कविता कौन सी है। 82 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है और आपका उत्तर जा रहा है, बताइए सही आंसर क्या है, यहां पर उत्तर चला गया बी, असाध्य वीणा, असाध्य वीणा वी नंबर आपका, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, नीतू जी सोलंकी, कवियों का कवि किसे कहा जाता है, 83 नंबर का क्वेश्चन, कवियों का कवि किसे कहा जाता, अज्ञे को, शमशेर, मुक्तिबोध, या फिर निराला, कई बार इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, शमशेर बहादुर जी के बारे में सभी को पता है दोस्तों, और इन्हें क्या कहा जाता है, दिनेश कुमार जी कि सर कवियों का कवि कहा जाता है, तो वो कहा जाता है शमशेर बहादुर को। ठीक है, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, कवियों का कवि शमशेर बहादुर को कहा जाता है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 84 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया आपसे, आलोक सिंह जी बताइए रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको चयन करना है, और सभी को पता है मैंने आपको बताया था कि एक होता है अर्थ के आधार पर, ठीक है, और दोस्तों एक होता है रचना के आधार पर, अब आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है, क्या कहा जाता है, एक तो अर्थ के आधार पर पूछा जाता है और एक रचना के आधार पर पूछा जाता है, तो आप कंफ्यूज होते हो कि हम रचना के आधार पर बता रहे हैं या अर्थ के आधार पर बताए, तो मैं बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको बता रहा हूं कि जब रचना के आधार पर पूछा जाए तो रचना में तीन वर्ण आते हैं, रा, चा और ना, ये तीन वर्ण आते हैं, तो रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों, सरल, मिश्र और संयुक्त, ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं, और अर्थ के आधार पर आठ प्रकार के होते हैं, आ से बनता है आठ और आ से बनता है अर्थ, ठीक है, आ से अर्थ और आ से आठ, तो अर्थ के आधार पर आठ है और रचना के आधार पर तीन, ठीक है, बढ़िया, ईश्वर आपको सफलता दे वाक्य है, बताओ संकेत वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है, इच्छा वाचक है या फिर निषेध वाचक है, 85 नंबर का क्वेश्चन है, अजित जी बताइए सही आंसर यहां पर क्या जा रहा है, सभी लोग बताएंगे, दारसू शर्मा जी 85 नंबर के क्वेश्चन में ईश्वर आपको सफलता दे वाक्य किस प्रकार का माना जाता है, लाइक करते हुए शेयर भी करना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, और यहां पर उत्तर जा रहा है कि सर ईश्वर आपको सफलता दे, ये तो कोई व्यक्ति इच्छा से ही कहता है, इच्छा से कहेगा तो सी नंबर, यानी इच्छा वाचक आपका बिल्कुल सही है, माटी की मूर्तें इसकी विधा क्या है, इसकी विधा आपको बताना है, ठीक है, ये तो पता है आपको इसकी रचना का राम वृक्ष बैनीपुरी है, लेकिन इसकी विधा क्या है, विधा भी पूछी जाती है ममता जी, बताइए प्रियंका कुमारी जी,
राइट आंसर क्या है अरुण राजपूत जी, ओम प्रकाश जी, सृष्टि ठाकुर जी, 86 नंबर का क्वेश्चन है। अपने सभी साथियों को बता दें कि 15 अप्रैल से एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है सेल्फ स्टडी क्लासेस में हिंदी साहित्य का। दोस्तों उसमें आप अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, माटी की मूर्तें की विधा क्या है। 86 नंबर के क्वेश्चन में सीधा सीधा आंसर जा रहा है कि सर ये तो क्या है, माटी की मूर्तों की हम क्या बनाएंगे। बोले एक रेखा में हम माटी की मूर्तें स्थापित करेंगे। ऐसा तो नहीं कि एक यहां कर दी, एक रेखा में माटी की मूर्तें स्थापित करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रेखा चित्र हो जाएगा। यानी कि आपका जो बी नंबर है रेखा चित्र सही है। आखिरी चट्टान तक यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है, आखिरी चट्टान तक बताओ, आखिरी चट्टान तक ये रेखा चित्र है और इसकी रचनाकार कौन है, सभी लोग बताएं। लाइक जरूर कर दें, मित्रों को शेयर भी कर दें। दोस्तों जिन भी साहित्य को हिंदी साहित्य की हार्ड कॉपी मंगवाना है, अपने घर पर नोट्स मंगवाना है, वो मंगवा सकते हैं। जिसके दो पार्ट हैं दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में पद्य साहित्य, सेकंड पार्ट में गद्य साहित्य, ये दो पार्ट में आप नोट्स आपके घर पहुंचेंगे एक सप्ताह के अंदर, ठीक है। आखिरी चट्टान तक, बोले सर मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक डटे रहे, बी नंबर। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है तो किससे माना जाता है, 88 नंबर का क्वेश्चन। तनु जी, आकाश जी बताइए, हरमिंदर जी, देवनागरी लिपि का विकास किससे माना जाता है, एक अच्छा क्वेश्चन। देवाणी से, ब्राह्मी से, खरोष्टी से या फिर रोमन से, तो सभी को पता है देवनागरी लिपि का जो विकास माना जाता है वो ब्राह्मी लिपि से माना जाता है, बी नंबर, ब्राह्मी लिपि आपका सही है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। बताइए ये किस अनुच्छेद में कहा गया, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जाता है, जितना सरल है उतनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी, ये बताइए किस अनुच्छेद में कहा गया है। हरमिंदर जी सही आंसर, और आपका उत्तर हो जाता है कि सर भाषा से संबंधित दो, जो राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक किए गए, जिसमें अनुच्छेद 343 में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी होगी, देवनागरी। तो ये नंबर आपका सही है। जयशंकर प्रसाद की समीक्षा कृति कौन सी है, समीक्षा कृति बताना है, साहित्य का समाजवाद, काव्य कला तथा अन्य निबंध, छायावाद, एक पुनर्मूल्यांकन या फिर मेरे गीत और कला, बताएं। शिव कुमार जी सभी लोग बताएंगे, लाली यादव जी, आराधना पाल जी, दिया जी, 90 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। और जयशंकर प्रसाद की समीक्षा कृति कौन सी है, 90 नंबर के उत्तर प्रश्न में आपको उत्तर बताना है, और आपका उत्तर है कि सर जयशंकर प्रसाद की जो समीक्षा कृति आप पूछ रहे हो वो कौन सी है, कौन सा लगा रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। राधिका जी, रजनी बाला जी बिल्कुल सही आंसर लगाया कि सर काव्य कला तथा अन्य निबंध, इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। यानी कि आपका जो बी नंबर वो बिल्कुल सही है, काव्य कला तथा अन्य निबंध के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। बी जिन्होंने लगाया उनका आंसर सही है। सी वाले बहते गए हैं धार में, कौन सा मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है पूछा है, ये क्वेश्चन आ चुका है 91 नंबर में। बताओ कौन सा मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है, यानी प्रगतिवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है, ये बताना है। अनीता जी बताएं, आलोक जी हिंदी बताइए, कौन सा मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है बताएं। दिनेश वीर जी, जसवीर सिंह जी, नेहा सिंह जी, संदीप विश्वकर्मा जी, 51वें नंबर का क्वेश्चन है, सौरभ वर्मा जी, लिटिल जी, और सीधा सीधा आंसर जा रहा है कि सर यहां पर नामवार से हैं, शिवदान सिंह चौहान भी प्रगतिवादी आलोचक हैं, रामविलास शर्मा भी प्रगतिवादी आलोचक हैं, नामवार से भी हैं, कौन नहीं है, विजय देव नारायण शाही नहीं है। उत्तर चला गया डी की तरफ, डी नंबर सही है। धनबान का विलोम क्या होगा, धनबान का विलोम 92 का किंचन होगा, किंकर कंचन या फिर धनाढ्य होगा, क्या हो जाएगा धनबान का विलोम। मिंकी जी बताइए, परमिंदर जी, अर्चना श्रीवास्तव जी, 92 नंबर का क्वेश्चन है, धनवान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर। और सीधा सीधा क्वेश्चन है सुनीता प्रजापति जी, लाइक करते हुए शेयर करिए, और 92 का उत्तर आपको बताना है। उत्तर चला जाता है कि सर धनवान का विलोम होता है आकिंचन बताया जिन्होंने, उनका आंसर तो सही है, और किंकर बताया वो नहीं है, ये भी छोड़ो, उत्तर हो गया आकिंचन, धनवान का विलोम होता आकिंचन। तो ये नंबर आपका करेक्ट और राइट आंसर है,
किस युग में विलोम शब्द नहीं है, जल्दी से बताइए। पंजाब मास्टर कैडर वाले जिनको भी हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है अपने घर मंगवा सकते हैं। टीजीटी पीजीटी वाले, एलटी ग्रेड वाले, एचपी कमीशन वाले, हमारे साथी उत्तराखंड एलटी वाले, जिनको भी हिंदी साहित्य के नोट्स अपने घर मंगवाना है आप मंगवा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है मिस्टर जी, किस युग में विलोम शब्द नहीं है, ये 93 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। 93 नंबर में आपको यहां पर चयन करना है और बताइए योग में पूछा गया प्रवृत्ति का निवृत्ति, बहिरंग का अंतरंग, प्रत्यक्ष का परवर्ती, या फिर पदोन्नत का दोस्तों पदोन्नत, बताइए कौन सा सही नहीं है। और आपने चयन किया कि सर प्रत्यक्ष का परवर्ती ये सही नहीं है, यानी सी नंबर, जनता जनार्दन की ओर से सी नंबर उत्तर चयन किया गया जो कि बिल्कुल सही है। नीम हकीम खत्रे जान, इसका अर्थ क्या है? 94 नंबर का क्वेश्चन है, नीम हकीम खत्रे जान, इसका अर्थ क्या है बताइए जल्दी से। लखविंदर कौर जी, प्रश्न क्रमांक 94 नंबर का क्वेश्चन है, नीम हकीम खत्रे जान, इसका अर्थ क्या है? डींग हाँकना, बीमारी का गलत इलाज होना, खतरनाक चीजें, या फिर अल्प विद्या भयंकर। 94 नंबर के क्वेश्चन में लाइक करिए जल्दी से, नीम हकीम खत्रे जान, इसका अर्थ क्या है ये बताना है। और उत्तर होगा आपका डी नंबर की ओर जा रहा है आपका उत्तर कि सर अल्प विद्या भयंकर होती है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर राइट, बहुत बढ़िया। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी मानी जाती है दोस्तों? पहली कृति आपको बताना है कौन सी मानी जाती है, छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी है? छंदमाला है, छंदोर्णव है, छंदसार है, या फिर छंद विचार है? तो 95 का नंबर और बिल्कुल सही आंसर यहां पर पूछा गया है। बताएं सभी लोगों का उत्तर आ रहा है कि सर ये छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली जो कृति है वो कृति है अनुराग जी, वो कृति है कौन सी? छंदमाला। छंदमाला यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट है, ए नंबर आपका सही आंसर है। ठीक है, छंदमाला ये दोस्तों छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति मानी जाती है। ठीक है, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 96 नंबर सही आंसर है, यही चौपाई अपभ्रंश में 15 मात्राओं का छंद होता है दोस्तों अपभ्रंश में, और यही चौपाई हिंदी में कितनी मात्राओं का होता है ये आपसे पूछा गया है। बताओ चौपाई यानी चार पाई, और चार पाई को स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, 16। चार पाई को स्क्वायर कर दो 16 हो जाएगा, यानी कि यहां पर आपका उत्तर सी नंबर सही हो जाएगा, 16। ठीक है, नेक्स्ट, सिंहावलोकन आत्मकथा के लेखक कौन है? सिंहावलोकन ये किसकी आत्मकथा है? यशपाल, शेठ गोविंददास, चतुर्सेन शास्त्री, शांतिप्रिय द्विवेदी। सिंहावलोकन आत्मकथा के लेखक कौन है? 97 नंबर का क्वेश्चन है, इतना बढ़िया से क्वेश्चन पूछा गया है। सुशील जी, 97 नंबर के क्वेश्चन में सीधा सीधा आंसर जा रहा कि सर सह, सह का क्या होता है? यस होता है, जंगल में सह का क्या होता है? यस, और सह से सिंहावलोकन यस होता है, तो यशपाल लगा दो यानी ए नंबर लगा दो, बिल्कुल सही है। मेरी असफलताएं आत्मकथा किसकी है? मेरी असफलताएं बियोगी हरि, बाबू गुलाब राय, यशपाल, या फिर महात्मा गांधी? बोले सर गुलाब से रिलेटेड मेरी असफलताएं बहुत हैं, मेरी असफलताएं बहुत हैं, गुलाब है ना, तो याद करो यहां पर बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताना है आपको मेरी असफलताएं आत्मकथा किसकी है? 98 का बाबू गुलाब राय यानी बी नंबर बाबू गुलाब राय आपका सही है। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? अकाल पुरुष गांधी के रचनाकार कौन है? ये जीवनी की रचना किसने की है ये आपको बताना है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जिन भी साथियों को एडमिशन लेना हो, निरंतर अध्ययन करना है, विस्तृत पढ़ना है, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना है, ट्रिक से पढ़ना है, तो 1200 में 12 महीने के इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। 10 अप्रैल तक ये ऑफर है, 15 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, उसमें आप दोस्तों पढ़ सकते हैं, शुरुआत से हिंदी भाषा से आपको पढ़ाया जाएगा देवनागरी लिपि और उसके आगे के टॉपिक। तो अकाल पुरुष गांधी इसके जो लेखक हैं वो लेखक हैं कौन कौन है? जैनेन्द्र कुमार, बी नंबर, बहुत बढ़िया। तुलसीदास चंदन घिसें इसके लेखक कौन है? 100 नंबर का क्वेश्चन है, तुलसीदास चंदन घिसें इसके लेखक कौन माने जाते हैं अनीता जी? बताएं, विद्यानिवास मिश्र हैं, हरिशंकर परसाई हैं, कुबेर नाथ हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? अनुज जी, बीना तिवारी जी बताइए, सरोज मंजू जी, रंजीत जी, छोटेलाल यादव जी, तुलसीदास चंदन घिसें,
इसके लेखक कौन है, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और देखते हैं कौन कौन बता रहा है। तुलसीदास चंदन घेसे, बहुत सारे लोग गलत बताएंगे यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सही बताया है कि सर ये हरिशंकर परसाई हैं, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो, राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो नोट्स हैं, जिनको भी मंगवाना है नोट्स, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि नोट्स में आपको क्या क्या, फर्स्ट पार्ट में हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि, हिंदी साहित्य, इतिहास, लेखन के स्रोत, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, हिंदी साहित्य की नवीन प्रवृत्तियां, शाठोत्तरी कविता, ये आपको क्रमबद्ध नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद पार्ट टू में आपको इस प्रकार से मिलेंगे, जिसमें आपके लिए दोस्तों हिंदी गद्य का विकास, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, ठीक है, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र, संस्मरण, गद्य का डायरी, साक्षात्कार, हिंदी में प्रथम, हिंदी में विविध यानी कि विश्व हिंदी सम्मेलन, पुरस्कार, गुरु शिष्य, ठीक है, पत्र पत्रिकाएं और प्रमुख कथन, इस प्रकार से ये नोट्स हैं। जिन भी साथियों को मंगवाना है वो संपर्क करें, और दोस्तों अपने घर में एक सप्ताह के अंदर मंगवा सकते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। और हर टॉपिक के बाद में, जैसे आप संस्मरण पढ़ रहे हो तो संस्मरण के लास्ट में आपके लिए वन लाइनर महत्वपूर्ण पूरा निचोड़ भी मिलने वाला है। जैसे आप प्रगतिवाद पढ़ रहे हो तो प्रगतिवाद के लास्ट में आपको पूरा प्रगतिवाद का निचोड़ वन लाइनर रूप से दिया जाएगा, यानी कि जब भी आपका एग्जाम आता है तो आप सोचते हो कि हम क्या पढ़ें क्या पढ़ें, तो उसके हिसाब से दोस्तों हर टॉपिक के बाद इंपॉर्टेंट वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन भी उसमें रहते हैं, वन लाइनर फैक्ट रहते हैं, जिनको आप एग्जाम के 10 दिन पहले से पढ़ सकते हो। ठीक है, इस प्रकार के नोट्स बनाए गए हैं, तो जिन भी साथियों को मंगवाना है और जिन भी साथियों को ये 15 अप्रैल वाले नए बैच में भी 2 एडमिशन लेना है, वो 1200 में 12 महीने के ऑफर को दोस्तों लगा सकते हैं। ठीक है, दीपिका शुक्ला जी बहुत बढ़िया, माया राम जी, दारसु जी, तनु जी, लवली जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि साथी इस ग्रुप से आप लोग जुड़े हो, सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़े हो, अनु जी, अनुराग, राजीव मौर्य जी, जसमेल जी, ठीक है, और अनुराग जी, मोहित जी, दारसु शर्मा जी, ठीक है, निशा सिंह जी, है ना, महाकाल ग्रुप जी, बिल्कुल, लाली जी, अनीता, राजीव जी, लवली ठाकुर जी, मधु जी, अनुराग जी, वंदना जी, श्वेता जी, जॉनी जी, उमंग जी, ठीक है, सभी को धन्यवाद। और दोस्तों हिंदी साहित्य का ऐप भी आप लोग डाउनलोड कर लें, हिंदी साहित्य के ऐप में 214 कवियों के जीवन परिचय लॉन्च किए गए हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से, एक एक कवि परिचय आपको दोस्तों टेस्ट सीरीज के माध्यम से उसमें टेस्ट करवाए जाएंगे, जो 499 का कोर्स है, हिंदी साहित्य वाले ऐप में जाकर के आप उसमें पढ़ सकते हो, टेस्ट लगा सकते हो, अध्ययन कर सकते हो। तो सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, राजकुमारी मुस्कान वर्मा, मुकनद जी, राजीव मौर्य जी, प्रमांशु माया राम जी, हमारे सभी साथियों को धन्यवाद, जय हिंद।